शुक्रिया, प्लीज विराजमान हो जाइए। अर्चना जी, हाँ जी, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू, यू टू। अब्बास मस्तान का तीसरा भाई लग रही हैं आप। ओह, अच्छा, जैसे मॉल में हर किसी के पसंद की चीजें एक ही छत के नीचे मिलती हैं, हाँ। वैसे ही आजकल ओटीटी पे भी हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है। और आज के हमारे जो मेहमान है ये वो कलाकार हैं जो ओटीटी पे अपनी फिल्मों और वेब सीरीज के जरिए छाए हुए हैं। चलिए उन्हें मंच पे बुलाते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। प्लीज वेलकम मिस्टर सुमित व्यास, आंचल सिंह, त्रिधा चौधरी, अमित सयाल एंड राजेश तैलंग। आइए तैलंग साहब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आप सब जानते हैं ये बहुत ही गुणी कलाकार हैं और ओटीटी पे इतने बिजी चल रहे हैं कि इनके पास किसी के लिए समय है नहीं। यहाँ तक कि जब हमने भी फोन किया उन्होंने साफ कह दिया कि जब आप बुलाओगे हम आ जाएंगे। कैसा लग रहा है आप लोगों को इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के मैंने आपको टाइम दिया? यार मैं मजाक कर रहा, पर मैं आप सबका इतना बड़ा फैन हूँ, इतना कमाल का काम करते हैं, आज बहुत खुशी हो रही है आप सबको यहाँ पे देख के। आइए प्लीज विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा अमित भाई, राजेश भाई, सुमेध, आज तीनों ही कमाल के एक्टर हैं, पर अफसोस कि आप लड़कियां नहीं है, तो मैं लड़कियों से बात शुरू करता हूँ। रिधा और आंचल, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू आंचल, आपकी काली काली आंखें तो सबने देखी हैं, लेकिन आज आप अपनी काली काली आंखों से मुझे देख रही हैं, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। इतना दूर क्यों लगाया मेरा सोफा? नहीं, ठीक है, काली काली आंखें में इन्होंने जो किरदार किया है, ब्यूटीफुल, है ना, कि पावरफुल बाप की बेटी और किसी लड़के के पीछे पड़ जाती है। मैं मन ही मन सोच रहा था काश वो लड़का मैं होता, वो तो। तो ये आंचल, ये जैसे आपने उस लड़के के पीछे पड़ी हुई थी आप, हाथ पैर धो के पड़ी थी आप, बिल्कुल, ये सिर्फ ओटीटी के लिए टैलेंट है कि रियल लाइफ में भी कभी आपके पीछे पड़ा कोई ऐसे हाथ पैर धो के? एक्चुअली रियल लाइफ में तो मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि क्या पता मेरे अंदर एक ऑब्सेसिव लवर हो। पर आप ये मत सोचिए मैं आपको देख के बोल रही हूँ। नहीं नहीं, मैं आश ऐसा होता नहीं, पर मैं एक बात बताइए, आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, कभी आपके पीछे कोई ऐसा कभी नहीं कोई लड़का पड़ा सीरीज आने के बाद जब आप पॉपुलर हो गई इतनी? ये शो एक ही घंटे का है ना, तो अब ओहो नहीं पड़ा, नहीं पड़ा बिल्कुल। अच्छा जी, मेरे पड़ा ना पीछे, अभी ये पढ़ रहा है ना पीछे अभी। मैम मेरे डैड एयरफोर्स में थे, फिर वो रॉ में थे, तो फिर वो एवरीबॉडी थॉट कि थोड़ा सा डर के रहो। मेरे भाई भी हैं, बड़े भाई जो यहाँ बैठे हैं, अच्छा अच्छा, कुछ सीन ही नहीं बन पाया। चलो फिर और बताओ, फिर क्या बात करें, ये तो बात ही। हेलो भैया, चुप ही हो गए। और इससे मुझे याद आया कि मुझे गिन्नी इतनी पसंद है, मैं उनसे जब मिली आई थिंक मैं उनकी बड़ी फैन हो गई। अब तो कपिल को खत्म ही कर दोगी तुम यार, गिन्नी का भी नाम ले दिया कपिल। हाँ गिन्नी मुझे बड़ी पसंद है, तभी मैंने शादी की। ओह त्रिधा, हमने आपको आश्रम में देखा, आपने इतना कमाल का काम किया है। अच्छा आपको जब ऑफर हुआ आश्रम सीरियल, आपको लगा था कि सीरीज का नाम आश्रम है और आपको इतना बोल्ड करेक्टर ऑफर करेंगे वो? बोल्ड से क्या मतलब है आपका? बोल्ड मतलब इन्होंने बोला कि बताइए शर्माइए नहीं, मतलब बोल्ड को क्या कहेंगे हिंदी में? चैलेंजिंग। हाँ मतलब सीरीज का नाम देखो आप आश्रम है और फिर मतलब होता है मतलब। मुझे बड़ी पसंद आई आपकी सीरीज, पता है बैक टू बैक मेरे को लत लग जाती है, कुछ चीज देखता हूँ 7-8 एपिसोड। आई थिंक आपको भी कास्ट करना चाहिए, अब बॉबी देओल वाला रोल। पर मतलब आप कब कैसे आना हुआ त्रिधा आपका फिल्मों में? मैं तो हूँ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, दूर दूर तक कोई नाता नहीं था मेरा फिल्म से। अच्छा जी। बट धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स, एक पैजेंट जीता था मैंने, एंड सच्ची बोलूँ तो ऑडियंस का प्यार, इन सब से मैं आगे बढ़ पाई। और प्रकाश सर ने मुझे देखा था, आई वॉज अ क्लासिकल डांसर, उनको पता था कि मैं अभिनय कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था किसी और शो के लिए, एंड आई एंडेड अप डूइंग समथिंग बिगर बेटर, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई गॉट टू प्ले बबीता इन आश्रम। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। सुमित भाई बड़े कमाल के एक्टर हैं, अभी आधा साल खत्म नहीं हुआ, इनकी
ओटीटी पे चार सीरीज आ चुकी हैं, तीन चार और आने वाली हैं। मैं भाई आप बहुत ज्यादा डिमांड में हो कि बहुत ज्यादा लोन ले लिया आपने कहीं, काफी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मीन नहीं नहीं वो क्या कि एक अरसे तक काम नहीं था ना, तो अब जैसे ही काम आता तो मैं ना नहीं बोल पाता हूँ, मुझे लगता टपक लो सारा कुछ। हाँ, कि जो भी आया काम कर लो, पता नहीं फिर मिले ना पूछे। नहीं, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप हमेशा डिमांड में रहेंगे, बस नजर ना लगे अर्चना जी की, बाकी तो ए, राजेश भाई को हम सब ने मिर्जापुर, फिर बंदिश बैंडिट, रंगबाज, दिल्ली क्राइम जैसी वेब सीरीज में देखा है, बहुत ही बाकमाल एक्टर है। और ये ना ज्यादातर गरीब मजदूर बाप का रोल बड़ा किया है इन्होंने। आपने कभी प्रोड्यूसर से कहा नहीं कि ठीक है बाप बनाओ लेकिन अमीर वाला बनाओ? मैं आज ही यहाँ आया हूँ ना, तो थोड़ा मेकअप वेकअप होके और मैं बड़ा अलग महसूस कर रहा हूँ। अमित भाई बड़े खुश नजर आ रहे हैं आज, ये खुशी हमारे शो पे दूसरी बार आने की है या आज दो खूबसूरत हीरोइन के साथ आए हैं आप? इंपॉर्टेंट महसूस हो रहा है सर। मैं तो घर में एक्चुअली, मेरे को आया मैसेज ना आपके यहाँ से, तो मैंने कहा कि क्यों बुला रहे हैं ये मुझे दोबारा। मैं इसमें इसी उलझन में लगा रहा हूँ एक आध दिन, तो मैंने कहा बुला रहे हैं तो चले जाओ यार, बुला रहे हैं कोई अच्छी चीज के लिए बुला रहे होंगे। भाई आप इतना बाकमाल काम कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि आप आए। मुझे तो हैरानी की देख रहे हैं लोग, देख देख के। अब मैं एक और मेहमान को बुलाना चाहूंगा। ओटीटी के दौर में जहाँ अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स की डिमांड होती है ना, वहीं ऐसे एक्टर्स की भी जरूरत होती है जो किरदार को जस्टिफाई कर सके, जो ऑथेंटिक लगे। और ये इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो करते हैं हमारे कास्टिंग डायरेक्टर। तो आज एक ऐसे ही जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो हम यहाँ पे आज बुला रहे हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर मुकेश छाबड़ा। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश आपका। थैंक यू। छोटा सुभाष का ही लग रहा है मुकेश आज। कितना नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं हैट वैट में। लुकिंग हैंडसम ब्रो। थैंक यू। अच्छा आपने बात बदल लिया ना अभी? नहीं नहीं मैम, यार प्यारा लग रहा है, मेरा छोटा भाई है। मुकेश ने बहुत ही कमाल कमाल की बड़ी बड़ी फिल्में, बड़ी बड़ी वेब सीरीज उनकी कास्टिंग की है। कुछ नाम अगर मैं लूं तो हैदर, हाईवे, चेन्नई एक्सप्रेस, काई पोचे, गैंग्स ऑफ वसेपुर, रॉकस्टार, अंगल, ऐसी मजेदार फिल्मों की कास्टिंग की है। मुकेश कैसा लगता है जब इतनी कामयाब फिल्मों की कास्टिंग करके जब आपको मतलब ऐसे कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिला, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है भाजी। और इतने सारे एक्टर आते, लगता था कि यार सारे एक्टर जो खुद ढूंढे इनको तो बुलाया जा रहा है, मुझे क्यों नहीं बुला। आज बुला लिया तो अच्छा लग रहा है। आई लव यू ब्रदर। बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब चलो, लगता है आप सबको भी कास्ट करना पड़ेगा, आपका रास्ता नेक्स्ट वही है आपका भी। मुकेश को जैसे कोई देखता ना, क्योंकि पहले पहले तो क्या इतना सोशल मीडिया होता नहीं, तब सब पहचानते हैं बाई फेस, तो जो एक्टर ना भी हो ना तो वो भी एक्टिंग करने लग जाता है। अभी आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि अपने बच्चे को बेटा करके दिखाओ? अरे हमेशा है, मतलब शादी पे कभी भी जाओ तो हर रिश्तेदार बोलता है अरे बेटा नाच के दिखाओ भैया के सामने, पहले नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ। तो शुरू से लेके मतलब लोग नाच ही रहे होते हैं मेरे आगे भी। अभी कभी लिफ्ट में जाओ, कभी खाना खाने जाओ तो कहो कि अपना ऑडिशन दिखाता रहता है रास्ते में, मिलता रहता अच्छा। है। तो ये दिन भर चलता है पर मतलब मजा आता है अगर, क्योंकि ये टैलेंटेड एक्टर नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं होता, इन लोगों की वजह से मैं यहाँ पर। क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, लोग हमारे सामने कई बार कर देती है औरतें अपने पति को ना करके दिखाओ, अरे करके दिखाओ ना, उस दिन तो शराब पी के बड़ा कर रहे थे, कभी कभी वाला डायलॉग बोल रहे थे, बोलो ऐसा होता है? अरे बाजी अब तो लोग, अभी कभी अंकल मिले थे यार मेरे बेटे के लिए लड़की भी ढूंढे, इतने सारे लड़कों से मिलता है तो अब तो रिश्ते भी आने। बहू की कास्टिंग कर दो, बहू की कास्टिंग भी कर दो। अच्छा राजेश भाई ना बड़े एंटीक एक्टर हैं, एंटीक से मैंने इसलिए बोला क्योंकि डीडी में आने वाला पहला डेली सोप शांति, उससे इन्होंने शुरुआत की थी। कोई तो बता रहा था, कहते मंदिरा बेदी को देखने के बाद आपके मन में आया कि मैं भी ऑडिशन देता हूँ, क्या पता मुझे भी शांति मिल जाए। कैसे हुई थी शुरुआत राजेश भाई? मैं मतलब पहले तो ये कहना चाहूंगा, एंटीक भले ही ना हो, एंशियंट जरूर हूँ। अच्छा प्राचीन हूँ। हाँ नहीं, मैं मुझे वो एनएसडी के टॉयलेट में वो रोल मिला था। टॉयलेट में? एनएसडी के वॉशरूम में था मैं और पास में एक डायरेक्टर खड़े थे। वहां पे कौन सा टैलेंट देखा उसने? तो अच्छा भाई बताइए, ये बड़ा मजा। उन्होंने कहा कि यार आप एक्टिंग करते हो क्या? मैंने कहा हम एनएसडी से ही हूँ, अभी बस पास आउट हुआ ही हूँ। अच्छा जी।
तो उन्होंने कहा फिर तो बहुत बढ़िया एक ऑडिशन दे। पास आउट कहा एनएसडी से या बाथरूम? एनएसडी से। अच्छा। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया और फिर इस तरह से मैं काम लेके बॉम्बे आया। वाह। अक्सर लोग बिना मतलब आके, लेकिन उसके बाद अलग कहानी रही थोड़ी। अर्चना जी कभी ऐसा ही हुआ धमकी वाला फोन करा के आई थी ना आपको? राजेश भाई को हमने ज्यादातर ना मूछ में देखा आपको हमेशा ही हमने। कभी आप आपको किसी ने कहा ना कि मूछ हटा के देखो, क्या पता रोमांटिक फिल्म में मिलने शुरू हो जाए। मान लो आपको आंचल या त्रिधा के साथ रोमांटिक रोल में कास्ट करें तो ये एक शर्त रखे कि मूछ कटानी है। त्रिधा का तो, त्रिधा का तो मैं एक एड में बाप बन चुका हूँ। अच्छा जी। और एक सीरीज में ससुर। अच्छा। But that doesn't matter because एक फिल्म में मैं अक्षय कुमार की बॉस बनी हूँ, एक में कुछ और मदर इन लॉ बनी थी और एक एड में मैं उनकी वाइफ भी बनी। मतलब चांस है, हो सकता है। एक में आप बॉबी देओल के फादर भी बने थे ना आप? नहीं। आई लव यू अर्चना। तो अगर मुझे कटवाने से ये चांस है तो जरूर तैयार हूँ अभी। वैसे अगर आपको ऐसे कोई बोल दे कि कुछ चार छह रोमांटिक लाइनें अपने मन से बोल दो, आप इतने मजे हुए एक्टर हैं, आप बोल देंगे? मतलब मैं वैसे कोई कविता बोल सकता हूँ? आंचल को देख के कोई कविता बोलिए कोई। बहुत अच्छी कविताएं भी लिखते हैं राजेश भाई। हाँ, लेकिन मैं ये अपनी कविता नहीं बोल रहा हूँ, मैं गुलजार साहब की बोल देता हूँ। अच्छा जी। जी जी। कि मुझको इतने से काम पे रख लो, जब भी सीने में झूलता लॉकेट तुम्हारा उल्टा हो जाए, अपने हाथों से सीधा करता रहूं उसे। जब भी आवेज़ उलझे तुम्हारे बालों में, एक बस इतना कह दो कि चुभता है ये अलग कर दो। जब भी गरारे में पांव फंसे तुम्हारा या दुपट्टा किसी किवाड़ से अटके, एक नजर देख लो तो काफी है। प्लीज कह दो तो अच्छा है, लेकिन मुस्कुराने की शर्त पक्की है। मुस्कुराहट मुआवजा है मेरा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। छाबड़ा साहब देख रहे हैं आप? पास पास भाजी, कल 11 बजे ऑफिस पहुंच जाऊंगा। शर्मा जी, शर्मा जी, हाय, हेलो एवरीबॉडी, हाय, नमस्ते, मायसेल्फ बिंदु हिज वाइफ। शर्मा जी, OTT के स्टार्स है, बताना चाहिए था ना? मैं बताया तो था, आज इधर मत आना। तुम्हें किसी ने बता नहीं, जब बीवी के हाथ में झाड़ू हो तो पति को फालतू नहीं बोलना चाहिए। अच्छा अच्छा, नहीं बोलना। चलो फटाफट मेहमानों को झाड़ू बैठ के उड़ के दिखाओ। वेरी फनी शर्मा जी, वो शॉपिंग वाले ऐप पे जरा कंप्लेन करो, मैंने वैक्यूम क्लीनर ऑर्डर किया था, झाड़ू आया है। हो जाता है कभी कभी डिलीवरी इधर उधर, मैंने भी तो ऐसी बीवी मांगी थी, हो ही जाता है। डिलीवरी इधर उधर हो जाती है, कोई बात नहीं। एनीवेज, अरे राजेश भाई कितनी मोहब्बत भरी नजरों से देख रहे तुम्हें। इनको भी एक कविता सुना दो। कोई तो सुना दे शो। अगर आपने इसको देख के भी कोई कविता सुना दी, मैं मान जाऊंगा आपसे बड़ा एक्टर ही कोई नहीं फिर। इनको देख के मैं अपनी कविता सुनाता हूँ। हाँ जी, इरशाद। देखा, यही फर्क होता है, उसको देख के गुलजार साहब की सुनाई। एक कविता है मेरी है कि हम दोनों साथ आए, वाह, एक कहानी बनी। हम दोनों अलग हुए, तीन कहानियां बनी। एक तेरी कहानी जो तुझे समझ आई, एक मेरी कहानी जो मुझे समझ आई, और एक तीसरी अनकही कहानी जो बात कर लेते जरा तो दोनों को समझ आ जाती। वाह 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 वाह। उनका कहने का मतलब भी, अभी जाओ और जाके कहानी समझो हुआ क्या। तुमको टीवी के शो पे OTT वाली बातें सुननी है मुझसे? देखा, गुंडी गुंडी बीवी है ये। काश शादी भी OTT की तरह होती। कैसे? वेब सीरीज जहां तक अच्छी लगे देखो, बंद करके सो जाओ। इग्नोर कर सकते, वो कहना हमारा जो रिश्ता है वो थोड़ा सा यू नो दैट रोमांटिक कॉमेडी रोम कॉम टाइप ऑफ अ रिलेशन। मेरे को तो लगता है हमारा हॉरर कॉमेडी वाला है। बिना मेकअप के मैं तुम्हें देख लेता हूँ ना तो मुझे डर लगता है। मेकअप करके आती है, मेरी हंसी आती है, मतलब ठीक है, सॉरी। हमारा
हो गया? Actually, कमल मेरे तो दो हो गए, छोटा वाला भी चलने लग गया। तुमने रात भर जो सोचा था ना कि तुम आंचल और त्रिदा को इम्प्रेस करने के लिए बोलोगे, वो भी बोल डालो। मैंने कुछ नहीं ऐसा सोचा था, मतलब शूट के बाद क्या कर रहे हैं आप लोग? शूट के बाद उनका घर जाने का प्लान है और तुम्हारा मेरे साथ घर सफाई का, समझे? ये म्यूजिक क्यों बज रहा है? कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? ये देख लो, मेरी सासू माँ अपने मुंह से बड़ा जूड़ा रखती हैं ये। हाय, हेलो एवरीबॉडी। नमस्ते। हाय मुकेश छाबरा जी, दिस इज माय लेफ्ट प्रोफाइल, दिस इज माय राइट प्रोफाइल एंड माय फोन नंबर इज 02। ऐसे कौन मिलता है? अरे मुकेश छाबरा जी हैं, पता से लोग ऐसे ही मिलते हैं। आप प्रोफाइल मत दिखाओ, चारों तरफ से सेम ही दिखती हो आप। ये जिससे मिलते हैं ओह उसकी किस्मत बना देते हैं। छाबरा जी मुझे कुछ एक्टिंग में काम दिलवाइए। तुमको क्या जरूरत पड़ी है इस उम्र में एक्टिंग करने की? अरे दिलवा रहे थे। एक सेकंड मम्मी। अच्छा आप सिर्फ शो दिलवाते ही हैं फिल्में कि किसी को निकलवाते भी हैं आप? जानना चाहिए। अच्छा मुझे क्या जरूरत पड़ गई एक्टिंग करने की? मतलब मैं एक्टिंग करूँ ना तो उससे एक्टिंग होती नहीं है। मेरे दामाद जी कब तक संभालेंगे शो? है कि नहीं? देख तुम्हारी माँ ही ऐसा बोल रही है। मैं क्या, मैं नहीं बोल रही, जो लिख के मिला वही है। अच्छा मैं फालतू बातें कर रही हूँ? आई बड़ी, एक तो मैं दुखी हूँ इस लड़की से, मेरा मूड ऑफ कर देती है एकदम। सच बता रही हूँ मुकेश जी, काश भगवान माओ को बच्चों के पैदा होने से पहले उनका ऑडिशन भेज देता। बहुत अच्छी लाइन है। सच बहुत अच्छे। सही बता रही हूँ, सबसे पहले मैं इसे मिस फिट करती। क्या करती? काउट करती। रिजेक्ट करती। नमस्कार राजेश तेलंग जी, नमस्कार जी। आप मिर्जापुर से मेरे लिए दुपट्टा नहीं लाए? दुपट्टा? वो क्यों दुपट्टा लाएंगे तुम्हारे लिए? अरे डायरेक्टली कट्टा मांगते हुए अच्छी लगती क्या मैं? आप लोग इन्हें इग्नोर कर दीजिए प्लीज। अच्छा मुझे इग्नोर करो और इसे बैठ के देखो, ये हो रही है दीपिका पादुकोण और इसके हस्बैंड हो रहे हैं रणवीर सिंह। मुझे क्यों बीच में घसीट रही हो आप? हाय देखा मेरे दामाद जी कितने अच्छे हैं, उन्हें रियलाइज हो गया कि वो रणवीर सिंह नहीं है। क्या बात है, लेकिन ये मेरी बेटी ये मुगालते में जी रही है, दीपिका पादुकोण है ये। तुम कौन सी मधुबाला हो? थैंक यू मम्मी। डॉट और कॉम्प्लीमेंट दोनों में फर्क है जो तुम्हें नहीं समझ आता। ऐसा है मेरा दिमाग मत खर, आई बड़ी सॉरी, आई छोटी सॉरी, आई भूरी सॉरी। अरे आज मेरे जो मैं आकर तुझे कहूंगी मम्मी ऐसे लगे तू आइसक्रीम ना लगा मुझे मम्मी। तुम एक मिनट। अच्छा अच्छा छाबरा जी मैं चलती हूँ, कास्टिंग में ध्यान रखना। मम्मी तुम अंदर चलो। अच्छा अच्छा एक टाइम होता था जब कोई भी हीरो उनको लगता था एक्टर को कि यार मैं तो अच्छा वाला ही किरदार निभाऊंगा कभी मैं, जैसे शाहरुख भाई जब बाजीगर में आए थे तो खैर उन्होंने बड़ा अच्छे से जस्टिफाई भी किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि माहौल बदल गया है, एक्टर हर तरीके की रोल एक्सेप्ट कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड थिंग, है ना अर्चना जी? बट एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन उनको मिलते नहीं है टाइप कास्ट। जब आप एक बार हो जाते हो तो वो ये नहीं सोचते कि आप और भी काम कर सकते हैं उससे भी बढ़िया, देन दे से ये अच्छा किया अब आपको ऐसा ही काम मिलता है। लेकिन ओटीटी ने ये ब्रेक कर दिया है। यस ओटीटी में इतना चैलेंजिंग काम लोगों का मिल रहा है, आप जयदीप को देखो, राजेश भाई को देखो, सब लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो बहुत कमाल के। पंकज त्रिपाठी को देखो, पहले वो सिर्फ उसको कॉमेडी देते थे बिफोर वासीपुर, पहले से वो कॉमेडी रोल कर रहा था। अच्छा मैंने सुना भी है कि शायद आप और अनुराग कश्यप, आपने पंकज भाई को लड़ाई हो गई थी मेरी और अनुराग कश्यप की, अनुराग नहीं चाहते थे कि पंकज जी, उनको मालूम नहीं था कि कौन है क्योंकि, और मैं बिकॉज ऑफ एनएसडी मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ, पंकज का एनएसडी प्ले भी देखा था, हम सब साथ के हैं, तो जब बुलाया तो बोले कौन है ये? ऐसे एक्टर है थिएटर का, एक छोटी सी फिल्म की है, कलकत्ता में शूट करा है। बोले नहीं, एक उनको सब नॉन फेस चाहिए थे क्योंकि बहुत कम एक्सपेरिमेंट हो रहा था नए एक्टर्स के साथ, तो वासीपुर की वजह से बहुत सारे नए एक्टर्स हैं। तो फिर मैंने बोला एक काम करते हैं, जो एक्टर आप बोल रहे हो आई डोंट नो नेम द एक्टर, और मैंने बोला पंकज को दोनों को टेस्ट करते हैं,
दोनों का टेस्ट किया, उसके सामने मैंने वीडियो टेप रखा, तब मैंने कहा दोनों को ऑडिशन देख लो और मुझे फोन कर देना, मैं जा रहा हूँ। वो फोन करके बोले आजा आजा नाराज मत हो, कब इसको लेते हैं पंकज। क्या बात है यार, बहुत अच्छी बात। त्रिधा आपको कभी कॉमेडी के रोल नहीं ऑफर हुए? करना है, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ। आप ही मुझे कास्ट करोगे? हमारे यहाँ पे तो मेन लड़का उठा के असेंबल करके लड़की बनाते हैं हमारे शो में। कर लेंगे। असली लड़की आएंगी तो बहुत। एक्चुअली लगता है कि मैं बहुत सीरियस हूँ क्योंकि मैं सीरियस किरदार निभाती हूँ, बट रियल लाइफ में आई थिंक आई एम क्वाइट फ्लिप। मतलब हम कभी अपने शो पे आपको कभी कोई ऐसे कॉमेडी गैग करने के लिए बुलाएं तो आप आएंगी? सोच के बताऊंगी। सोच के बताएंगी? सीरियसली बताऊं मैं बड़ा सीरियस हूँ। हाय शाबाश। आपको जिस भी तरीके के रोल करें ना, आप हमारे शो पे बोल सकती हैं। अगर आपको वैसा रोल मिल गया तो 10% अर्चना जी को आपने देना है। पहले काम बनवाओ। मुकेश कभी ऐसा हुआ है आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं? बहुत बार ऐसा होता है, जैसे रवीना जी, रवीना टंडन ने किस्सा सुना रही थी कि वो किसी रेस्टोरेंट में गई और उनको वासवानी जी ने देख लिया शायद, और उन्होंने अपनी फिल्म के लिए पूछा। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि यार कोई लड़की आई और आपने देखा कि अरे ये मेरी फिल्म के लिए उस किरदार के लिए अच्छी है, और उसने समझ लिया होगा कि मेरे को स्टॉक कर रहा है, घूर रहा है। अरे बहुत बार होता है। मतलब पहला बच्चे से शुरुआत करता हूँ। चिल्लर पार्टी करके फिल्म आए थे, उसमें एक बच्चा था, वो लोखंडवाले के रेड लाइट पे व्हीली कर रहा था। तो उसके चेहरे में इतना चालाकपन था जो फटका कैरेक्टर में चाहिए था, और हमें एक्चुअल स्लम का बच्चा ही चाहिए था, तो क्योंकि किसी बच्चे को जो वो जिंदगी दिया है वो बेटर कर सकता है। तो उसको फॉलो किया जाके घर तक, उसके पहुंचे श्री जी के पीछे, उसके घर के पास पहुंचे तो उसकी माँ को लगा बच्चे उठाए, उसे छुपा लिया अपना बच्चा, कि बच्चे उठाने वाला है, बच्चे उठाने वाला तो छुपा लिया। फिर उनको समझाया कि हम क्या करते, और तब इतने कास्टिंग एक नया नया प्रोफेशन, चिल्ला पार्टी को 12 साल पहले की बात है, एक नया प्रोफेशन था। फिर बच्चे को उसकी माँ बाप को कन्वेंस किया, बच्चे को 3 दिन तक ऑफिस में रोज ऑडिशन किया, और फिर उसको चिल्ला पार्टी में कास्ट किया, फिर उसको 2 नेशनल अवार्ड मिले पिक्चर के। सेम मुन्नी के साथ भी ऐसा हुआ। मुन्नी को एक गुड़गावा के एक मॉल में देखा था उस बच्चे को, हर्षाली को। फिर वो फिर किसी तरह वो ऑफिस में किसी को पहुंचे, उस बच्चे को ढूंढो, वो ढूंढते ढूंढते बच्चे हमको मिली, फिर वो बजरंगी भाईजान के मुन्नी बने। माय गॉड। तो होता ही है, बहुत डर लगता है क्योंकि क्या इतने सारे लोगों को लगता है कि ये, क्योंकि बहुत संभल के बात करनी पड़ती है, कोई कभी भी डांट भी देता, पागल हो गया है क्या। एक तो एक्टर सबको बनना है, पॉलिटिशियन हो, पुलिस वाले हो, डॉक्टर हो, कभी डॉक्टर के पास जाओ तो बोलते बेटा मेरे लिए भी कुछ हो तो रोल वोल दिखा दे, ये बहुत होता है। मेरे तो घर में ही मांगते रहते हैं सब, मासी बुआ चाची, देख ले जरा कुछ निकलता हो तो दिलवा देना। मेरे पूरे खानदान को ये लगता है, ये तो ये इतना मुश्किल है भाई, मेरे पिताजी कब से ट्राई कर रहे एक्टर बनने के, बन नहीं पा रहे। राम जी पैरी बना बैठे हुए। अच्छा मुकेश यहाँ पे हैं, अगर किसी को लगता है जेन्युइनली कि वो उनमें कुछ टैलेंट है, वो अगर वो दिखाना चाहते हैं, कुछ एक्टिंग करके दिखाना चाहते हैं, जो भी, आपका खुला स्वागत है। जी जी मैडम आइए, एक भाई साहब भी आए। अच्छा आप दोनों साथ में ही हैं, आप उनका हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? वाइफ है? अच्छा आपकी पर्सनल वाइफ है, आइए आइए। हाँ आइए आइए, 1 2 3 4 5 6 आधा दर्जन लोग निकल आए, वो एक साहब भी आ रहे हैं पीछे। महाराज बहुत बहुत स्वागत है जी आपका, शुक्रिया शुक्रिया। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरुण मेहता, बोरीवली रहता हूँ। अच्छा जी बहुत बहुत स्वागत है मेहता साहब। गुजरात में है। अच्छा जी, तो मेहता साहब क्या करके दिखाना चाहते हैं, क्या करने वाले हैं आप बताइए। मैं बचपन से मेरा शौक था क्या, मैं हीरो बनूं। हीरो? अच्छा जी। एक्टर बनूं। होता है बचपन में नहीं पता होता कुछ चीजों का। आपको ये 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 हीरोइन है, आप ये लीजिए, आप अब हीरो, अपना हीरो। आइए आप बोलिए, आप इनको डायलॉग जो बोलना है। आपकी जो तमन्ना है ना हीरो बनने की, तमन्ना थी कि मैं नहीं, मैं एक रोमांटिक गाना गा के आपको सुनाओ, शायद आपका दिल में मेरे लिए जगह बन जावे तो मेरा काम हो जाएगा। अब मैं चलिए आप सुनाइए, चलिए। यस बहुत बढ़िया सर, ये बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इतना अच्छा किया, आपको कॉन्फिडेंट देके मजा आ गया, आप ऑफिस कल ही 11 बजे आ जाइए। वेरी गुड भाई, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू मेहता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। माइक दे दीजिए, आइए आइए, बहुत बहुत बढ़िया मेहता साहब, शुक्रिया। हाँ जी महाराज क्या हाल है, जिंदगी में फर्स्ट टाइम आपके साथ। शुक्रिया 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 मेहता साहब। अर्चना जी ने भी वाइट ही पहने कपड़े, मस्ती है, उनको भी थोड़ा तंग कीजिए।
उनको भी तंगी। अब आपके साथ आसपास दोनों महिलाएं डरी हुई हैं आपसे। बहुत मजा आया। आइए, ये हैं हमारे पैंडमिक के एमएस धोनी। आइए जी सर, क्या नाम है आपका? नीरज कुमार फ्रॉम प्रयागराज। तो नीरज, क्या करके बताएंगे आप? सर मैं एक एक्टिंग करने वाला हूँ। एक एक्टिंग? दो करो ना। जी करिए, आप एक एक्टिंग करके दिखाइए। हाँ हाँ, मैं मुस्लिम हूँ। जुल्म का है तुझे, मेरे नाम से कांपते हैं। इंसानियत के नाम पे बदनुमा धब्बा हूँ मैं। हाँ मैं जानता हूँ तुम मेरे नाम से नफरत करती हो, मुझे बहुत बड़ा गलत इंसान समझती हो, मगर मेरा विश्वास है दुनिया कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। कोई आदमी अपनी माँ के पेट से बुरा पैदा नहीं होता। कोई चोर अपनी खुशी से चोरी नहीं करता। वक्त और हालात इंसान को बुरा बनने मजबूर कर देते हैं, और तुम तो अच्छी तरीके जानती हो भूख और गरीबी से मरे हुए इंसान को कफन भी नसीब नहीं होता है। तब से जिंदगी मैंने एक ही चीज सीखी, एक ही सबक पाया है। इस दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं, मगर गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। ये आपने इस तरफ किसको सुना रहे थे ये सारी बातें जो आप? बहुत अच्छा आप बोल रहे थे। ये आपने क्या लिखवाया हुआ है इस पे, बाजू पे? मम्मी का नाम। मम्मी का नाम? अरे यार कितनी प्यारी बात है। आइए मैडम, आइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीति है और मैं मुंबई से ही हूँ। तो आज सर यहाँ पर है, आप दीपिका मैम के फैन है, और आज आप शाहरुख सर जितने ही हैंडसम लग रहे हैं। क्या बात कर रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। तो उनका जो एक सीन है बहुत फेमस, अगर वो आज होता तो उसमें क्या डायलॉग्स हो सकते थे, एक चुटकी सिंदूर वाला। तो मैं वही करके दिखाना चाहती हूँ। मेहता साहब के साथ करेंगे, मैं बुलाऊं उनको। मेहता साहब, दो मिनट, एक को आर्टिस्ट की जरूरत है। मेहता साहब का दिन बन गया। आ रहे हैं, आइए आइए आइए। हाँ मान लीजिए ये आपके शाहरुख खान है, इनको भी आउट करना पड़ेगा फिर तो। ये डायलॉग्स मेरे सही हैं। हाँ जी हाँ जी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानो मेहता बाबू। हाँ उनकी तो मांग ही नहीं, उनको क्या पता। और वैसे भी एक चुटकी सिंदूर की कीमत किसने जाननी है? आपको जानना है तो हमारी हील्स का रेट जानो, हमारे मेकअप की कीमत जानो, हमारे स्पा की कीमत जानो। औरत के सर का ताज होता है ये, हमें उस ताज से अब कुछ लेना देना नहीं है। ताजमहल बनवा सकते हैं तो बात करिए हमसे। तो चले फिर। ओह माय गॉड, शुक्रिया शुक्रिया मेहता साहब, धन्यवाद। आइए आइए, अर्चना जी से मिलके जाइएगा जाते। मिलके जाना उसने। आइए जी, धन्यवाद जी। नमस्ते जी, बड़े बड़े प्यारे हैं आपके हस्बैंड, हर किसी की तरफ बाहें फैला देते हैं ये। मुझे पता है नहीं, ये बात आपने बताई नहीं कि पत्नी भी आई है। घर जाइए, बड़ा कुछ टूटने वाला है आपका। सर मेरा नाम विकास केसरवानी है, मेरी वाइफ मोनिका केसरवानी। अच्छा, हम प्रयागराज के रहने वाले। जी जी जी। तो सर की मूवी गैंग ऑफ वसीपुर का एक अच्छा। एक्ट करना चाहते अपने वाइफ के साथ। अरे वाह, प्लीज प्लीज, दिस इज नाइस। वो तो तुमको करना पड़ेगा, माइक पकड़ लेते हम। माइक सर मैं कर लूंगा, मैं करता हूं। नहीं माइक पकड़, हम पकड़ लेते हैं माइक। अरे क्या बात है, क्लोजअप देखेंगे ना तेरा। किकरा घर से हो, हमको जानती हो, गूंगी हो, ब्याह हुआ है तुम्हारा, इतना बड़ा की हो गई हो, ब्याह नहीं करी, हमसे करोगी? अच्छा सुनो,
तुम हो तो हम हैं, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं. यू लव मी जहां बोले आई लव यू. आई लव यू. थैंक यू शुक्रिया. थैंक यू सर. बड़े क्यूट लग रहे थे आप दोनों. आप किससे नाराज हैं? अच्छा आइए 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 आइए. पहले तो आपको खून चढ़ाते हैं दो बोतल. क्या नाम है ब्रदर आपका? राहुल पांडे. राहुल पांडे. पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत है. पांडे जी बताइए क्या करने वाले हैं आप? मिमिक्री आर्टिस्ट हूं सर मैं. अच्छा अरे वाह करके बताइए. जानी ना गोलियों की बौछार से. ये हाँ नहीं दोबारा बोलिए. जानी न तीर से न तलवार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से. जानी हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे. वो जगह भी हमारी होगी और मारने वाले भी हम ही होंगे. ये जब राजकुमार साहब बीमार थे उस समय की आवाज है. ये आवाज आपने किसी और के सामने भी निकाली है कभी? दोस्तों के सामने सर. दोस्तों के सामने क्या बोला उन्होंने? कुछ नहीं बोला सर. अच्छा ही बोला. क्या बोले? अच्छा है वो दोस्त छोड़ दो. तुम्हारे दोस्त नहीं. ये और कोई आवाज दिखाइए. अच्छा है आगे मेरी मौत का तमाशा देखने ही. अब मुझे लटका देंगे फांसी पे ऐसे जुबान बाहर आएगी लटकते हुए, ऐसे आंखें आएंगी लटकते हुए. हंसो भगवान ने हाथ दिया लगे फैलाने, मुंह दिया लगे गिड़गिड़ाने. हम हिंदू हम मुसलमान हम सिख हम ईसाई. अच्छा है मैं अपनी सांस 15 मिनट तक रोक सकता हूँ. मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ. पहुंचा दूंगा वहां तक. वापिस आना तेरा काम है. और थोड़ा एक आध आवाज और करो. कोई तो निकलेगी मेरे को पता है. कोई तो निकलेगी. यार आप बड़े प्यारे हो यार. थैंक यू ब्रदर. सबका हो गया टैलेंट. हाँ चलिए फिल्म सिटी का आपको गेट पता है ना कहाँ से आए. शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. ये माइक ले लीजिए उनको. अच्छा मुकेश ने जब गैंग्स ऑफ वासेपुर की कास्टिंग की ना उसमें एक रोल खुद भी किया. कास्टिंग के पैसे कम मिले थे जो आपने वहां से वसूल लेके. अजी अगर आपको फिल्म याद होगी तो उसमें हुआ क्या था कि हम जब भी शूट करके आते थे थके रहे तो अनुराग कश्यप की आदत है कि सब मिलके खाना खाएं. तो हम वहां पे डांस कर रहे थे. उसने मेरा वो डांस देखा. वो बोला कि उसकी वजह से वो रोल लिख दिया. पूरी पिक्चर में मेरे एक भी लाइन नहीं है. उस गाने की वजह से मुझे नचवाना था. अनुराग कश्यप को बड़ी खुशी मिलती है कि इसको तंग करने की. वो रमन नागव हो या वासीपुर हो या हर फिल्म में मुझे ये नचवाता है या मरवाता है. हाँ. गोली मरवाता है. ही लाइक्स दैट. इसको मजा आता है कि इसको कर. तो वो डांस की वजह से मुझे उसने कास्ट किया था. जो हमने एक ही सिंगल टेक में पूरा डांस किया था क्योंकि डांस तो था नहीं. पागल बनती थी. हम घुस गए. नमस्कार नमस्कार. अरे यार शर्मा जी मजेदार लोग आए आज आपके घर में. सच बता रहा है यार आप लोग. बच्चा ये क्या कर रहा है? अरे इंटरनेट वाले आए हैं थोड़ा बफरिंग तो हम भी करेंगे. देखिए आता है कैसा डिजिटल जोक पेल दिए. मजा आता है राजेश जी. अरे ये वो राजेश जी हैं जो कविता सुनाते हैं. लेकिन सर आपने कभी सोचा है किसी दिन कविता ने आपको सुना दिया? और सुनाया. काफिया भारी पड़ सकता है. राजेश जी अमित आप दोनों अपने ये मिर्जापुर में थे. हम भी मिर्जापुर में होते लेकिन थोड़ा सा वो कानपुर में फंस गए थे उस दिन. मैं कानपुर से भी हूँ. अच्छा ओहो. कितनी बार का हाईवे से जाया कर गलियों से जाता फंस जाता फिर तू. बड़ा रोड पकड़ा कर. मुकेश छाबरा जी आप कास्टिंग करते हैं ना? ये सार्कास्टिंग करते हैं. सिर्फ ताने देते हैं बिल्कुल लेकिन खाने को कुछ नहीं देते. त्रिधा जी कैसी हैं आप? जपना आई तो अभी है आप यहाँ पर. आपको बताएं हमारा ये बैंड है ना अक्सर आपको याद करता रहता है. कैसे कहता है त्रिधा त्रिधा त्रिधा. ऐसा मुकेश छाबरा जी बड़ी खुशी हो रही है आपसे मिलके. लेकिन आपको एक बात बताते हैं सर आप अब बहुत फेमस हैं. हर कोई जानता है कि आप बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं. ये कास्टिंग डायरेक्टर का लुक लेके चलने का आप जरूरत नहीं है. लेकिन पहले हम आपको जब हैट देखे ना हमें लगा आप कोई जादू दिखाएंगे. आबरा कडाबरा दिस इज मुकेश छाबरा.
ऐसे यहाँ पांचल जी तो आप सभी इतने चोटी के कलाकार हैं इसलिए हम बहुत अच्छी हो गई आई एम एक्चुअली गिविंग यू अ स्टैंडिंग ओवेशन राचल जी 300 से भी ज्यादा ऐड किए हैं ना आपने जी एक और हमारे लिए ऐड करेंगे जी अपने नाम के आगे हमारा सरनेम ऐड कर दीजिए मिसेस आंचल सिंह यादव आ हा सुन के मजा आ गया तेरी हिम्मत कैसे हुई आंचल के साथ ऐसी बात करने की क्यों नहीं कर सकते यार हम दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है क्या सच में बता रहे हैं यार क्या बहुत चीजें कॉमन है देखिए आप पेट लवर हैं जी हम भी पेट लवर हैं और ये पेट बहुत काम आता है सर ऐसी वैसी चीज नहीं है अभी कुछ दिनों पहले हम मुंह के बल गिर गए लेकिन मुंह पे खरोंच भी नहीं आई क्यों मुंह जमीन पे लगे उससे पहले पेट बाउंस बैक और देखिए ये पेट है ना इसी की वजह से आपसे बहुत लॉयल भी रहेंगे हम क्यों कोई भी लड़की आएगी हमें हक करना चाहेगी हम कर नहीं पाएंगे पेट बीच में आएगा हो गए ना लॉयल फिर आंचल आपने अनदेखी की है ना जी इसको भी अनदेखा करो आज इन्होंने काली काली आंखें भी की है तो थोड़ा नैन मटक्का भी करवा दीजिए इनके साथ हमारा बहुत अच्छा फ्लर्ट करते हैं यहाँ पे तो सब आप लोग सब कितनी अच्छा फ्लर्ट करते हैं अरे यार हम कह रहे हैं इनकी बातों में मत आइए हमसे ज्यादा विटी इंसान आपको लाइफ में नहीं मिलेगा जी। आपको इतना हंसाएंगे बेहोश हो जाएंगी आप होने वाले हैं अभी बेहोश हो जाएंगे सच कह रहे हैं अपना विटीनेस का डेमो दें आपको एक मिनट मुकेश छाबरा जी आप कभी अपना ये कलकत्ता जाते हैं तो आप हावड़ा ब्रिज पे जाते हैं कि वहां पे भी छाबड़ा ब्रिज पे चल बच्चा करने के आया तू इधर आज अरे यार ओ माय गॉड मेन काम तो हम भूल ही गए सर क्या है अर्चना जी हमने अपना एक ऐप लॉन्च किया है कॉल्ड भैंस फ्लिक्स ये क्या नाम हुआ भैंस फ्लिक्स अरे क्या है ये हमारी जो भैंसिया है यही तो हमारी फाइनेंसर है मेन क्या है ये दूध देगी उससे हम पैसा कमाएंगे उससे हम कंटेंट बनाएंगे तो नाम इसके ऊपर रखा है हमने और इसका प्रमोशन हम करवा रहे हैं सोचिए किससे किससे सोचिए किससे अक्षय कुमार से अक्षय कुमार जी प्रमोशन करने वाले हैं आएंगे अभी यहाँ पे आप देखिएगा हो गया जितने भी दर्शक यहाँ पर आए हुए हैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ बहुत अच्छे लग रहे हैं आप सब यार ये बातें तो होती रहेगी अक्षय जी जिस काम के लिए बुलाया है वो कीजिए ना अच्छा ओके जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं पोलियो की दवाई अरे ये वाला नहीं अच्छा अरे जो प्रमोशन मैं तो भूल जाता हूँ क्या है कि काम ज्यादा पकड़े हुए मैंने अभी मुकेश जी नमस्कार नमस्कार अरे बड़ी कमाल की कास्टिंग कर रहे हैं अभी यहाँ कास्टिंग पे कास्टिंग कर रहे हैं हमारा भी कुछ सोचो भाई हमारा भी कुछ बने हैं एक मिनट अभी तो आप कह रहे थे काफी काम पकड़े हुए हैं आपने वो मैं असली की बात कर रहा था अभी मैं पर्सनल बातें कर रहा हूँ अमित जी और राजेश जी भी आए हुए हैं कमाल का काम कर रहे हैं आप हर जगह छाए हुए हैं फूड डिलीवरी ऐप को छोड़कर हर ऐप पे यही लोग छाए हुए हैं सर आपकी ये जो चापलूसी है जो अगर खत्म हो गई हो जो मेन मुद्दा है प्रमोशन का वो कर लेंगे थोड़ा अच्छा वो आपकी ऐप के ऐप 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 दोस्तों इनकी ऐप आई है भैंस फ्लिक्स ठीक है अरे बस अरे कब आई है कहाँ आई है क्या होगा सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाएगा कब लेना ये सब बताइए ना पैसा लगता है बेटा उसका एक 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 शब्द का मैं पैसा लेता हूँ बजट है तेरे पास उन सब के लिए अरे बजट तो मतलब जितना था दे दिया बस पेट पूजा लायक पैसे कमाते हैं हम तो पेट पूजा दूसरों की होती है तेरा तो पेट भंडारा होता है अबे कितना खाएगा खा खा के फट जाएगा मोटे फिटनेस पे ध्यान दे फिटनेस पे ध्यान एक काम कर कल सुबह 4 बजे उठ और 10 सेकंड के बाद फिर से लेट जा ऐसे हमारा वेट कम हो जाएगा अबे पूरी बात सुन 4 बजे उठना है 10 सेकंड बाद लेटना है फिर उठना है फिर लेटना है फिर उठना है फिर लेटना है ऐसे 3 घंटे तक उठ लेट करना है अरे
ऐसे उटलेट 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 के चक्कर में हमारा आमलेट बन जाएगा यार। थोड़ा सा कठिन हो गया, कुछ इजी वाला बताइए ना सर। इजी वाला हाँ, एक याद आया, तेरे को ना ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। ये इजी है, ये अच्छा है, ये इजी है, खाली ऐसे ऐसे करना है। ये कब करना है सर? कोई खाने के लिए बोले तो कहना नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। ये तो पहले वाले से भी थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। ऐसा वाला नहीं सर, कोई एकदम जिसमें एफर्ट ही ना हो कुछ, इससे भी आसान, आसान वाला एकदम, मतलब और मेहनत करनी नहीं, करनी नहीं है। मेहनत नहीं करनी। वो तंदूर देखा है जिसमें कुलचे बनते हैं? हाँ हाँ, वो कुलचे बनते हुए देखना है। सिर्फ कुलचे बनते हुए देख के हम पतले हो जाएंगे कैसे? वो तंदूर के अंदर जाके देखना है। वो आ गया अंदर ना, कोयलों की गर्मी होती है उससे तेरा फैट बर्न हो जाएगा। कोयलों की गर्मी, हमारे खुद के कुलचे जो बर्न हो जाएंगे। हर चीज का एक्सक्यूज देना होता है तुझे, इतना आलसी बना हुआ है। एक तो ये भैंसिया का साथ छोड़ तू, इसकी जगह कोई तंदुरुस्त कोई फुर्तीला जानवर ले, जैसे चीता। पर चीता दूध नहीं देता है ना सर। दूध तो देगी ना भैंस। चीते को देख के अच्छे अच्छों का तेल निकल जाता है, तू दूध की बात कर रहा है? इंजन नहीं है? नहीं, लेकिन क्या है कि चीते के सींग भी तो नहीं होते हैं, और सींग हमें चाहिए, सींग चाहिए। क्या है ये, हमारी मॉर्निंग अलार्म है। हाँ। वैसे सुबह सुबह आके सींग से ऐसे 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 तब हम जागते हैं, फिर ऐसे करके हमें चाटती भी है। वो तो चीता भी चाट लेगा। चीते को कहीं हम ज्यादा टेस्टी लग गए तो? टेंशन नहीं है उसकी, मेरे पास में इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, कितने भी लोग देख रहे हैं। हर तरह की पॉलिसी का काम हम करते हैं, कोई भी पॉलिसी हो आप हमसे करवाइए, बिल्कुल कम दामों में आपको पॉलिसी मिलेगी। अमित भाई, आप बच्चन साहब के बड़े फैन हैं, मतलब हम सब हैं फैन, आपको उनके साथ कभी काम करने का मौका मिला? नहीं मिला है सर, और है? मतलब बहुत तमन्ना है मेरी कि मिलना चाहिए, और अभी तक तो नहीं मिला है। बट मैंने सुना है कोई एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, शायद उसमें बच्चन साहब आने वाले थे, बाद में ऐसा कोई किस्सा था कोई? मैंने तो नहीं सुना है सर। उनके की शोल्डर वोल्डर का शॉट लिया था भाई। सवाल राजेश भाई का है। राजेश भाई का किस्सा था वो? राजेश भाई, आप बच्चन साहब के बड़े फैन थे। ये सवाल हर एक पे फिट हो जाएगा। एक्चुअली बच्चन साहब के फैन तो सारे ही हैं, तो ये सवाल सब पे चलता है। वो किस्सा मैं यही सुनाना चाहूंगा कि बच्चन साहब का बचपन से ऐसे जबरदस्त वाले फैन थे कि मतलब मुझे तो वर्कशॉप करनी पड़ी बैरी जॉन साहब के साथ कि यार ये बच्चन साहब हाथ से निकले वो वाला प्रभाव ना आए। तो यहाँ फिल्म सिटी में मंदिर में 2005 में एक फिल्म आई थी देव। हाँ। तो यहाँ फिल्म सिटी टेम्पल में ही वो शूट था, उनसे परिचय नहीं हुआ था, सीधा शॉट लग गया। और वो शॉट ये था कि बॉम्ब विस्फोट हुआ है और बच्चन साहब आते हैं गाड़ी में, वो जॉइंट कमिश्नर है और मैं ACP था, तो पीछे वाली गाड़ी में आता हूँ। उतरे गाड़ी से, सीधा शॉट, और बच्चन साहब ने मेरी तरफ यूँ देख के कहा कि आओ। तो मैंने चलते शॉट में कहा यार बड़ी बात है। मैंने एक फिल्म में उनके साथ काम किया था, तो ऐसा हुआ कि वो जहाँ भी शूटिंग करने जाते थे भोपाल में, तो 30-40 हज़ार लोग, मतलब ऐसा लगता है क्रिकेट का मैच हो रहा है। मैं सुबह आ गया शूटिंग पे, और फिर जैसे ही भीड़ आना शुरू हुई तो उन्होंने मेरे क्या है कि भीड़ वाले कपड़े पहनाए हुए थे, तो मुझे भी उन्होंने धकेलते हुए भीड़ में भेज दिया। फिर बच्चन साहब आए, प्रकाश झा जी डायरेक्टर थे, वो आए और बोला कि आप हैं, और वो कहाँ है वो एक्टर? तो मैं भीड़ में से चिल्ला, अरे एक्टर यार, मेरा रोल है इसमें। मुझे बुलाया गया, आओ आओ आओ, और उन्होंने बोला हाय आई एम अमिताभ बच्चन। मैंने कहा आई एम, हाउ डज इट मैटर? और सीन ऐसा था कि वो कार में कहीं जा रहे हैं और मुझे बिठा के, और उनके साथ हेमा मालिनी जी है, और वो खुद कार चला रहे हैं, और मुझे नहीं पता था वो इतनी तेज कार चलाते हैं, और इतनी तेज वो कार चला रहे हैं, रहे। मैंने कहा मैं मर जाऊं बस आज, आज मैं मर जाऊं तो अमर हो जाऊंगा मैं, इतनी तेज कार चला रहे हैं, ऐसे जब टर्न ले तो मैं गिरूं और मर जाऊं। बट कैन आई ऐड टू दिस, आई स्वेयर कपिल, आपको जैसे हम देखते हैं हमेशा, यू नो, एक आपका एक इमेज है, एक आपका पर्सनैलिटी है। जब मैं आपकी स्क्रीनिंग पे आपको फर्स्ट टाइम मिली सुगाटो में,
मतलब आपको देख के लगा ये तो हमारे जैसे ये बड़ा नॉर्मल इंसान है। बात कर रही हैं आप? अच्छा अब तो आप सारे पॉपुलर हो चुके हैं, कभी कभी होता है ना थोड़ा सा अभी काम करना शुरू किया है लोग पहचान भी रहे हैं और और अगर कितनी देर बाद पहचानते हैं फिर गलत नाम ले लेते हैं। हाँ अनूप सोनी है ना, ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा होता था कि कई बार ऐसे बोलते थे मुझे, समझते थे रणदीप हुडा। हाँ। तीन चार बार बोला कि रणदीप हुडा और मैं उनको थोड़ा जानता भी हूँ, मेरे मोहल्ले में रहते हैं तो मैं थोड़ा इरिटेट हो गया इस बात से। अच्छा। एक बार बेंगलोर में मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ा जूस पी रहा हूँ गॉगल लगा के और आई एम फीलिंग हैंडसम और दो बहुत सुंदर लड़कियां आई और उन्होंने आके बोला कैन वी क्लिक रणदीप। Oh my God. नहीं मैंने कहा आई एम रणदीप, कैन वी क्लिक अ पिक्चर, मैंने कहा नो, वो नाराज होके चली गई। मैंने कहा सॉरी, और वो बट मैं इरिटेट हूं, वो बाहर जाके लोग रणदीप कितना रूड है। बदला ले लिया। ये वाकई ऐसा होता है कई बार आधा पहचानते हैं, पौना पहचानते हैं, कई 63% पहचानते हैं, समझते कुछ अजीब सा होता है ना। और कई बार फोटो खिंचवाने के बाद बायोडाटा भी पूछते हैं। पूछते हैं। तो आपने किया क्या है? बेस्ट ये होता है, बहुत बार हुआ मेरे साथ कि क्या किया है आपने? कहीं देखा है? किया क्या? मजा तब होता है जब एक्टर ने बहुत सारा काम कर लिया उसको फिर भी लोग नहीं पहचान रहे, वो खुद एक्टिंग करता है ऐसे करके मुझे पहचान लो। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, वो मेरे साथ खड़े हुए थे, बहुत ही नोन एक्टर हैं, तो वो दो लोग कल चलकर आ रहे थे, उन्होंने कहा ऑटोग्राफ लेने आ रहा है, फिर फोटो के दे देंगे कोई बात नहीं, तो वो आके उनको क्रॉस करके निकल। कई तो और बुरा करते हैं, वो ना तो आपसे बात करेंगे ना आपसे पूछेंगे, वो खाली आपको घूरते रहेंगे। नहीं और कई ऐसे होते घूम गए आप मुस्कुरा दो तो वापस मुस्कुरा भी नहीं रहे, तो आपको इडियट लगता है कि मैंने क्यों मुस्कुराया इसको देख के। एक आदमी एयरपोर्ट बैठा कहता मेरा ना फोन की बैटरी चली गई, मैं फोन कर लूं आपके फोन से? मैं कहा हाँ कर लूं, मैं मैसेज टाइप कर रहा था, मैं कहा हाँ मैं मैसेज टाइप कर लूं मैं आपको देता हूं, तो कहता हाँ कर लो आप, कहता मेरा मैसेज ही पढ़ रहा है। सुमित आपने जो एक सीरीज की थी परमानेंट रूममेट, जी अगर आपको सच्ची में कोई एक बंदे के साथ पूरी जिंदगी एक ही कमरे में रहना हो कौन होगा वो बंदा? इन्होंने मुझे बोला था ये क्वेश्चन पूछो। सिर्फ खुद के साथ, मुझे अकेले रहने में बहुत मजा आता है। मैं अपनी कंपनी बहुत एंजॉय करता हूँ। वेरी गुड, क्योंकि मैं वही बातें करता हूँ जो मुझे पसंद है। Nice. Very nice. Amazing. यार ये भी आर्ट है, आपको अकेले रहना आ जाए ना इससे बढ़िया चीज कोई नहीं है। बिल्कुल। आप भी कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो हमने सोशल मीडिया से ली हैं और उससे नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स होते हैं, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव अ लुक। लो जी पहली फोटो आई है मुकेश जी की, हैप्पी होली। आइए नीचे कॉमेंट्स देखते हैं। इनके घर वाले भुट्टा नहीं दिलवा रहे थे तो जिद में जमीन पे बैठ गए। सिंगल आदमी ऐसे ही दूसरों की जोड़ी को देखते रहता है। तो दिखाइए, आंचल जी ने फोटो डाला है इन द सिटी ऑफ लव एट द मिस्टिक ताजमहल, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है लोग ताजमहल को प्यार की निशानी क्यों कहते हैं, बेडरूम तो एक भी नहीं है। आप अगर वहां गाइड लग जाएं तो मैं ताजमहल देखने के लिए 2000 का नोट दे दूं। ओह गॉड। फिर किसने रिप्लाई किया तू तो दे देगा फिर ये कहां बदलवाने जाएंगी। और दिखाइए रॉकेट। सुमित ये क्या कर रहे हैं आप? बड़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी, आप आंखों को थोड़ा सा बंद करके देखो आपको शुतुरमुर्ग लगेगा। आई नीचे कमेंट्स पढ़ते। यही फोटो तुम ट्विटर पे डालते एलन मस्क तुम्हें लॉन्च भी कर देता। अच्छा रॉकेट बन गया उस हिसाब से, लगता है इन्होंने शिल्पा शेट्टी की योगा की डीवीडी रिवर्स में देख ली। यही वाला पोज मैं गार्डन में कर रहा था जब सीधा हुआ तो देखा 27 रुपए इकट्ठे हो गए थे।
मुझे भी ऐसे ही फंसा के योगा गुरु चाय पीने चला गया था. और दिखाइए. त्रिधा ने फोटो डाला है, स्प्रिंग इन माई स्टेप्स. वाओ, क्या मतलब? पढ़ते कमेंट्स, पढ़ते देखते नहीं, तो समझ में आए कि नहीं. दिखाइए नीचे कमेंट्स. त्रिधा जी, आप किताब पढ़ रही हैं और मैं पिछले एक घंटे से आपको पढ़ रहा हूँ. किसी ने रिप्लाई किया है, बेटा तुमने भी किताबें पढ़ी होती तो वहाँ वेटर नहीं लगे होते, ऑर्डर कर रहे होते. अरे यार, आप तो काले चश्मे में अच्छी लग रही हैं. मैं एक बार पहना था, गांव वाले पूछने लगे मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब करवाया. और दिखाइए. आपने ड्रिंक तो ऑर्डर कर ली, अब चीयर्स करने मैं आ जाऊं? उसको किसी ने रिप्लाई किया है, ये तेरी मम्मी सब्जी मंडी में इंतजार कर रही, पहले उनको लेने जा. मम्मी ने रिप्लाई किया. और दिखाइए. लो जी, सियाल साहब ने फोटो डाला, मनाली विद द गैंग. नीचे दिखाइए कमेंट्स. मानना पड़ेगा अमित भाई काफी ईमानदार आदमी हैं, ये चाहते तो स्विट्जरलैंड भी लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने मनाली ही लिखा. सर, मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूँ, ऐसे मौसम में 3 मिनट से ज्यादा एक ही पोजीशन में ना बैठें, पूरा मामला जम जाता है. दिखाइए और कमेंट्स दिखाइए. मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज थी, मैं उसे ले गया मनाली, वो मुझसे तो नहीं मानी, किसी और ने मनाली. उसको रिप्लाई आया आगे, भाई तू कुल्लू भर पानी में डूब मर. और दिखाइए. राजेश भाई ने फोटो डाला है, आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं. क्या चल रहा है भाई? कैसे भाई? ये नहीं बताया आपने. टेलीस्कोप. अच्छा, टेलीस्कोप के जरिए. आपने अपने घर पे रखा टेलीस्कोप? जी. तो ये आसमान में देखने के लिए रखा, अगल बगल बिल्डिंगों में, मतलब क्या? कभी कभी. आइए जी, कॉमेंट्स देखते हैं. सर चांद छोड़ो, भांडुप तक छोड़ दोगे. एस्ट्रोनॉट लोग हजारों करोड़ रुपए लगाने के बाद भी चांद पे नहीं जा पाते, हम तो 4 पैक के बाद जुपिटर तक पहुंच जाते हैं. सर इससे इतना दूर तक दिख जाता है, तो एक बार नाके पे देख के बताओ पुलिस खड़ी है क्या? आज हेलमेट भूल गया हूं. और दिखाइए. आ रहा हूं मैं. आइए जी, कमेंट्स देखते हैं. ऐसे आओगे तो कब तक आओगे? भाई उठ जाओ, ट्रक वाला भी कह रहा है आ रहा हूं मैं. हाँ, पीछे है. रात को जब ज्यादा हो जाए तो सुबह ऐसी ही जगह नींद खुलती है. और दिखाइए. लो जी, सुमित ने फोटो डाला है, कपड़े सुखाने भेजा था, आई डोंट नो वन थिंग लेट टू अनदर. ये कोई एड कैंपेन का शूट था, तो उसके लिए मेरे को ना स्टिल फोटोग्राफी में समझ नहीं आता कि क्या करूं. अच्छा. क्योंकि वहाँ कुछ डायलॉग नहीं होते ना, तो बहुत देर तक वो कहते रहे कि आप पोस्ट करो. हाँ, वो मेरे को बड़ा मुश्किल. हाँ, मैं समझ ही नहीं आया. तो जब मैं थक के खड़ा हुआ तो तब उन्होंने कहा हाँ यही तो चाहिए था हमें. अच्छा. मैंने कहा पता नहीं क्या चाहता है मुझसे. आइए नीचे कॉमेंट्स देखते हैं. फोटो में स्टाइल आपने शाहरुख वाली रखी है, चप्पल नवाजुद्दीन वाली पहनी है. सुमित भाई, मेरे ताऊ की धोती वापस कर दो, वो कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. ये पेड़ ना तो फल देता है ना ऑक्सीजन देता है, फिर ये क्या देता है? रिप्लाई, ये बंबू देता है. और दिखाइए. When the noon sun hits you, happy Sunday. Wow, क्या मतलब? Heat stroke. आइए नीचे देखते हैं कमेंट्स. अब मुझे पता चला मेरे दादा दिन भर धूप क्यों सेकते हैं. अगर पार्क में ऐसी लड़कियां रोज बैठने लग जाएं तो सैर करने वालों की 2 साल उम्र वैसे ही बढ़ जाए. धूप में बैठ के आपका विटामिन डी बढ़े ना बढ़े, आपकी फोटो देख के मेरी हार्ट बीट जरूर बढ़ जाती है. और दिखाइए. जस्ट ए टिपिकल मॉर्निंग ऑन सेट. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. काफी गंभीर आपके भाव हैं चेहरे के इस फोटो में. बंदा तभी ऐसे टेंशन में होता है जब घर से बीवी का फोन आ जाए कि घर आओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है. अमित भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपकी हर फिल्म और वेब सीरीज मैंने देखी है, मुझे आपकी एक्टिंग डायलॉग डिलीवरी बहुत पसंद है, मैं कल मुंबई आ रहा हूँ, आप एक बार मुझे शाहरुख खान से मिलवा दोगे?
है। और दिखाइए, जब बंदे को बाथरूम जाना हो और पजामे में पक्की गांठ लग जाए। और दिखाइए। लो जी, तैलंग साहब ने फोटो डाला, बच्चन साहब जिंदाबाद, हैप्पी बर्थडे बच्चन साहब। बच्चन साहब कहाँ हैं? और आप एक्टर इतने कमाल के हो ना, लग रहा है दुकान आप ही की है। ये सर पान की दुकान में बैठा हूँ इसलिए लग रहा है, अभी कोई ऑफिस होता तो नहीं लगता। एक कमेंट्स दिखाइए। प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग से पहले चूना लगाना सीखते हुए। सही है सर, एक्टिंग वैक्टिंग अपनी जगह है, एक साइड बिजनेस तो होना ही चाहिए। राजेश जी, ये पीछे टोपी वाले का ध्यान रखना, इसकी नजर गल्ले पे है। ये असली मालिक है उसके। फिर आपका ध्यान रख रहा होगा। कभी नजर आप ना ले जाओ। और दिखाइए। खत्म। अमित भाई, जमतारा में आप बच्चों से स्कैम करवा रहे थे, मैंने सुना एक बार आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, आपके घर पे भी फोन आया था स्कैम। मैं एक्चुअली शूट खत्म हो गया था जमतारा का, मेरा भाई कहीं मलेशिया में कुछ ट्रांजिट फ्लाइट में, उसने कुछ फ्लाइट बुक करवाई थी तो वहीं फंसा रहा। अच्छा। उसने बोला चलो मैं करवा लेता हूँ दूसरी, तो मैं रास्ते में था, मैंने मम्मी को फोन कर रहा था, तो बिजी जा रहा था फोन, तो मैं घर पहुंचा, मैंने कहा यार क्या मतलब आधे घंटे से लगे हो फोन पे, एक मिनट होल्ड करना, मेरा बेटा आ गया, एक मिनट से बात कर लो। बेटा वो जो फ्लाइट जो है ना वो सुमित की, वो मतलब मैंने कैंसिल करवा दिए, और ये मैंने नंबर ढूंढा है ऑनलाइन, और ये हेल्प कर रहे हैं, तो ये पता नहीं कुछ UPI पिन मिन टाइप का पूछ रहा है मुझसे। अच्छा। मैंने बोला हेलो, हाँ कौन से पिन चाहिए आपको? तो कह रहा नहीं सर, वो मैंने इनको भेज दिया लिंक, आप उस पर कर दो, आपके पास एक OTP आएगा, वो OTP मुझे आप फोन पे बता दो। मैंने कहा मैं ना ये करके आया हूँ, शूटिंग परसों खत्म हुई। तो कहता है कौन सी? मैंने कहा जामतारा। कह रहा तू ही है वो, फिर उसने जो गाली हम लोग को एक्सपोज करने वाला तू ही है। तो दो चार गालियां भी दे दी उसने बड़े प्यार से मुझे। ऐसा हुआ था कुछ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपना OTP पिन किसी को ना बताएं। बिल्कुल। वैसे भी कुछ ना बताएं किसी को। मुकेश, कभी आपके साथ ऐसा हुआ आपने किसी की कास्टिंग की हो, बाद में लगा हो कि नहीं यार ये बंदा ज्यादा परफेक्ट है, उसको रिप्लेस कर दिया हो, और उसने फिर रात को पी के आपको कोई फोन किया हो? अजी सच्ची बताऊं, ये क्रिएटिव प्रोसेस है, ऐसा कई बार ही होता है कि 3 दिन पहले भी आपको रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि राइटर क्रिएटिव आदमी होता है, थोड़े से खिसकेले होते हैं ना सबके सब, थोड़े थोड़े आइडियाज आते रहते हैं, तो कल लगता है कि यार मेरे को लगता है ये बेटर हो सकता है, ये रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा। तो कई बार होता है कि बड़े बड़े शोज में या फिल्म में 3 दिन पहले आपको रिप्लेस करना पड़ता है, ऐसा 2-3 बार हुआ है। तो एक बार तो लोखंडवाला बैक रोड में मैं जा रहा था, तो 3-4 लोगों ने मुझे पकड़ा, मेरी गाड़ी के शीशे वीशे फोड़ दिए कि साले तेरी वजह से मेरा रोल गया है। तो मतलब ऐसा कई बार होता है लाइफ में, क्योंकि ये काम ही ऐसा है, क्योंकि अब कितने लोग, सबको बड़ा मुश्किल है सब एक्टर को खुश रखना, कोई ना कोई तो नाराज हो गए, तो ये फील्ड का एक प्रॉब्लम है। तो ऐसा होता है भाई, कई बार गुस्से में फोन, बड़े धमके वाले फोन तो आते रहते हैं, भाई मुझे क्यों नहीं कास्ट करता, इसको क्यों कास्ट करता है, वो तेरा दोस्त है, वो तेरी जान पहचान वाला है। मैं बोलता हूँ भाई, एक आदमी के कितने दोस्त हो सकते हैं? मुकेश, आजकल बड़ा हो गया ना कि अगर राजस्थान की कहानी है तो आपको राजस्थान के लोकल आर्टिस्ट चाहिए, है ना, कि और ऑथेंटिक लगे, बंगाल में शूट हो रहा था, बंगाली आर्टिस्ट चाहिए, कभी किसी ने ऐसी डिमांड की है कि रियल गुंडे चाहिए हमें? नहीं, वो कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि गुंडे रियल नहीं लग रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा रियल गुंडे कैसे लेकर आऊं, मतलब ये रियल नहीं लग रहा है, तो ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना उनके अपीयरेंस से जितना ऑथेंटिक लग सके उतना हम कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको एक्टिंग, वैसी एक्टिंग करना बड़ा मुश्किल है। हम जितना मर्जी बोल लें कि मेथड करेंगे, उसमें घुस जाएंगे, लेकिन वो जो कर पाएंगे वो बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं एक मुद्दे पे। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर से पूछे बिना कोई काम नहीं करते हैं, वास्तु शास्त्र में बहुत बिलीव करते हैं, सबकी अपनी अपनी मानना है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा बिलीव करते हैं कि फलाने दिन को फलाना कलर नहीं पहनना, ये नहीं करना, इस तरह मुंह करके नहीं सोना? हाँ जी, माइक दे दीजिए सर को। कपिल सर नमस्कार। नमस्कार। नाम मेरा अशोक बग्गा है। अच्छा जी। कानपुर से आया हूँ। वेलकम। बात आपने जो एस्ट्रोलॉजी की जी, उससे मुझे अपने बचपन की एक घटना याद आ गई। उस घटना में कुछ ऐसा था कि मुझे बचपन में चोट वोट काफ़ी में लगती थी और कुछ भाग दौड़ का मुझे आदत थी। अच्छा जी। माता जी मेरी बड़ी परेशान रहती थी, तो माता जी ने एस्ट्रोलॉजर से बात की और उन्होंने कहा कि भाई इनको आप कहो कि हर मंगलवार को दिन ये
गाय को एक आटे का पेड़ा खिलाया। अच्छा जी। उन्होंने कहा 21 मंगलवार कर दे। पहले मंगलवार को ही मैं निकला और ठीक है, एक लोटे में पानी और एक हाथ में पेड़ा लेके बाहर निकला और धीरे से अपना जा रहा था। सामने ही मुझे गाय दिख गई और मैंने उसको पेड़ा खिलाने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, उसने तुरंत मुझे सींग मारा। उसके बाद मुझे नहीं पता, उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से गलियों से कुचों से भागता हुआ मैं घर पहुंचा। घर जाके माता जी को मैंने बताया, वो माता जी मुझे तो आज फिर चोट लग गई आपकी गाय का पेड़ा खाएगी। आप टाइम देख के जाते ना, हो सकता गाय ने लंच कर लिया हो, आप बाद में कहा। अरे उसमें जो वहाँ पे रिसर्च करके माता जी तक तक खबर पहुंच चुकी थी कि बेटा तुमने गाय को नहीं बैल को दे दिया था। और इंसिडेंट आपने सिर्फ मुंह देखा होगा ना, और इंसिडेंट मतलब शुक्रिया बग्गा साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाया आपने। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त जी? भाई साहब कपिल जी नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? जी नमस्ते, सबको नमस्ते। नमस्ते। मैं ओडिशा भुवनेश्वर से आया हूँ, डॉक्टर सिद्धार्थ महांती। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। लाइफ में क्या हुआ कि मैं बहुत परेशान था, मुझे कोई सक्सेस नहीं मिल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक टेरो कार्ड रीडर मुझे मिले। मैं उनसे पूछा कि मुझे कहीं सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है। बोले आप मेहनत कीजिए। मेहनत तो मैं कर रहा हूँ। सही बोला। कौन सा मेहनत? आप मेहनत कीजिए ना। कौन सा मेहनत के बारे में बोल रही है? ठीक है मैं मेहनत करता हूँ। मेहनत करते 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 एक दिन क्या हुआ कि मेरा एक बेटा पैदा हुआ। कपिल कैरेक्टर। उसी दिन मुझे पता चला और डायरेक्शन टेरो कार्ड रीडर मुझे इसी मेहनत के बारे में बोल रहे थे। तो आपकी क्या मेहनत थी उसमें? वो तो सभी को पता है। कितने साल हो गए शादी को? जी अभी 14 साल हो गया। 14 साल हो। कितने बच्चे आपके? एक ही। मेहनत करना छोड़ दिया फिर? I knew this was coming. सर जी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। बड़े बड़े मजेदार हैं आप। जोरदार ताली हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। त्रिधा, मुकेश, आंचल, सुमित जी, अमित जी, राजेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो पे आए आज। ऐसे आते रहा करिए। एक छोटी सी मैं किताब देना चाहता हूँ आपको। प्लीज 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 सर। राजेश भाई की बहुत अच्छी एक कविताओं की बुक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाओ, थैंक यू सर। चांद पे चाय, वाओ। मैं जरूर पढ़ूंगा राजेश जी। थैंक यू सो मच और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले तमाम फिल्मों के लिए, वेब सीरीज के लिए, तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच। और जितने भी दर्शक हमें टीवी पे देख रहे हैं, आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।